नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल एजु टारगेट के अंदर। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम अपने इस चैनल पर एजु टारगेट पर आने वाली जो भी लेटेस्ट इंजीनियरिंग जॉब्स है उसके बारे में सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको अवेलेबल करवा देते हैं। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाले इसी तरीके को और भी बेहतरीन वीडियो आपके पास में सबसे पहले पहुँच सके। और इन ऑल ओवर द इंडिया अगर कोई भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर जॉब निकलती है तो उसको आप चूक ना सकें, ताकि आप बाद में ये ना कह सकें कि मैं अगर काश इस फॉर्म को भर देता तो मैं भी इसको पास कर लेता। तो इसीलिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर इंजीनियरिंग से रिलेटेड जॉब्स एज वेल एज कोई भी नोटिफिकेशन होता है तो सबसे पहले आपके पास में मिल सके। तो सबसे पहले अपन आज की इस वीडियो में देखना चाहेंगे कि महाराष्ट्र पीडब्ल्यूडी रिक्रूटमेंट 2019 के अंदर जो वैकेंसीज निकल रखी, यानी कि आपको यहां पर देखने को मिल रहा होगा फ्रेंड्स कि ये वैकेंसी जो है आज ही निकली है और आज ही के डेट में मैंने इसके आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। यानी 7 जनवरी 2019 को पीडब्ल्यूडी महाराष्ट्र के अंदर 504 वैकेंसीज के लिए रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन मेरे लिंक के अंदर मिल जाएगा, एज वेल एज डिटेल नोटिफिकेशन भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर मिल जाएगा। और साथ ही साथ में आपको जो इसकी मेन लिंक, जो इसकी मेन जो साइट है उसका भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम आपके सामने सबसे पहले तो इसके बारे में बात करना चाहेंगे कि ये किस किस फील्ड से रिलेटेड है, क्या इसके अंदर जानकारी है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये है क्या, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी पीडब्ल्यूडी के अंदर महाराष्ट्र के अंदर नोटिफिकेशन निकला हुआ है जो कि किस पोस्ट के लिए है, जूनियर इंजीनियर वैकेंसीज के लिए है। नीचे अगर मैं देखना चाहूं तो ये स्टार्ट, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कब से होगा फ्रेंड्स, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा 5 जनवरी, यानी कि यहाँ पर आप देखने को मिल रहा होगा 5 जनवरी 2019 से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 25 जनवरी 2019 तक आपका चलेगा। मिनिमम एजुकेशन मिनिमम एज जो रखी गई है वो 18 ईयर रखी गई है और मैक्सिमम एज इसके अंदर 35 ईयर रखी गई है। और इसके अंदर एज रिलैक्सेशन एज पर आपकी कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। और क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है, कैंडिडेट शुड पास डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग या फिर इसके इक्विवेलेंट, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर है ये सारी वैकेंसीज। ओके फ्रेंड्स, तो इसके अंदर सिविल इंजीनियरिंग में आपने डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट से, यानी कि बीटेक डिग्री वाले भी फिलअप कर सकते हैं। पोस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें 405 टोटल पोस्ट है। अगर मैं इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपके सामने लेकर आना चाहूँ तो एक बार देख लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन में आपको क्या दे रखा है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपके जो सामने है डिटेल नोटिफिकेशन पूरा पब्लिक सर्विस पीडब्ल्यूडी महाराष्ट्र का है। ये यहाँ पर जो इसका जो नोटिफिकेशन आता है महाराष्ट्र में, हमेशा इनकी पर्टिकुलर मराठी लैंग्वेज में ही आता है, इसलिए मेरे लिए थोड़ा टिपिकल है इस लैंग्वेज को पढ़ना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा आप सभी दोस्तों के लिए एक बार। तो इसमें इन्होंने दिया हुआ है महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यानी कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मुंबई का है ये। कनिष्ठ अभियंता यानी कि जूनियर इंजीनियर स्थापत्य यानी कि सिविल के लिए अंदर निकला हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं आपकी यहाँ पर डेट दे रखी है ये 5 जनवरी 2019 से लेकर के 25 जनवरी 2019 तक में आप इसके अंदर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपकी जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर है, ग्रेड पर आपकी दे रखी है कितनी, ग्रेड पर आपकी 4200 के आसपास है। ओके, आप यहाँ पर अब देख लीजिएगा हिंदी में लिख रखी है, मेरे को भी ज़्यादा इस ये जो मैथ्स है वो हिंदी जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो नहीं आते हैं, इसीलिए आई होप आप एक कैलेंडर ले लीजिए आपके सामने, कोई भी जो आपका जो कैलेंडर है उसको एक बार ले लीजिए और उसके हिसाब से देख लीजिए। इसके अंदर अलग अलग अनुसूचित जनजाति के अंदर अलग है, अनुसूचित जाति काफ़ी सारी इसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज हैं। ओके, तो टोटल आपके पास में जो है टोटल है 405 वैकेंसीज़ है टोटल आपके पास में। अगर मैं फर्दर अगर बात करता हूँ जो जो चीज़ें मेरे को समझ में आ रही है इस एप्लीकेशन के इस नोटिफिकेशन के अंदर वो मैं आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। और अगर आपको कोई फर्दर अगर कोई डाउट होता है, अगर आप चाहते हैं इस पूरे नोटिफिकेशन को मैं हिंदी या फिर इंग्लिश के अंदर पूरा डिटेल में बताऊँ तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के जरिए मुझे बताइए कि मेरे को आपको ये इंग्लिश या हिंदी में पूरा डिटेल नोटिफिकेशन चाहिए, तो मैं इसको पूरा के पूरा हिंदी या इंग्लिश दोनों के अंदर कन्वर्ट करके आपके लिए लेकर आऊँगा। ओके फ्रेंड्स, लेकिन अभी क्योंकि जो एक मराठी जो जानता हो उस कैंडिडेट को मेरे को देखना पड़ेगा, उस पर्सन को उसी से मैं इस पूरी को नोटिफिकेशन को हिंदी इंग्लिश में कन्वर्ट करवाऊँगा, उसके बाद मैं आपके लिए लेकर आ सकूँगा। ओके फ्रेंड्स, तो उसके लिए 1 से 2 दिन मेरे को चाहिएगा। इससे पहले मेरे इस वीडियो को जितने लाइक्स और जितने सब्सक्राइबर मिलेंगे तो उसी के अनुसार मैं अपना जो एफर्ट है वो उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कनिष्ठ अभियंता इन स्थापत्य यानी कि सिविल इंजीनियरिंग में है, वैकेंसीज काफ़ी सारी है। आपसे जो मांगा गया है यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीदवार सास नाने मान्यता दिल्ली 3 वर्षीय यानी 3 ईयर का आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, किसमें सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, किंवा चित्यासी समतुल्य महणून मान्यता
मिठा ले ली अशी इत काणी ते धारी कलिक अहता। ओके फ्रेंड्स, यानी किसी के इक्विवेलेंट भी आप चल सकते हैं, यानी बीटेक या फिर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और फर्दर इसमें एज के रिगार्डिंग भी आपके अंदर काफ़ी सारा कुछ दे रखा है, और इसके अंदर जो आपके भत्ते हैं या फिर आपका जो ग्रेड पे है वो इसमें आपको सारा इसके अंदर डिटेल में डिस्कस कर रखा है। मैं आपका ये जो नोटिफिकेशन है इसको इंग्लिश के अंदर मैं आपका लेकर आने की पूरी कोशिश करूँगा, जितना मेरे से हो पाएगा उतना मैं पूरे आपके लिए एफर्ट लगाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, और भी आपको रिलेटेड अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स के जरिए मुझे कमेंट बता सकते हैं। अगर मैं इसके सिलेबस की बात करता हूँ तो डिप्लोमा लेवल का जो सिलेबस है वो आएगा, यानी एसएससी जो एसएससी का सिलेबस है वही ये सब कुछ है। इसके अंदर दो तीन चीज़ें, यानी जैसे कि प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट भी इसके अंदर थोड़ा सा पूछा जाता है। ओके, अगर मैं इसके सिलेबस की बात करता हूँ तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन, देन मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जो कि एसएससी में नहीं आता है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एनालिसिस भी एसएससी में नहीं आता है, एंड स्टील स्ट्रक्चर, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, डिजाइन ऑफ रेनफोर्स कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ये भी एसएससी के अंदर नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसके अंदर है सर्वेइंग, एस्टिमेट, कोस्टिंग एंड वैल्यूएशन, इरीगेशन इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक्स एंड फ्लड मैकेनिक्स, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, हाईवे इंजीनियरिंग, डॉक्स, हार्बर्स, एयरपोर्ट्स, एनवायरमेंट्स। ओके फ्रेंड्स, इसमें ओवरऑल देखने को देखा जाएगा तो ओवरऑल जितना भी सिविल का पूरा सिलेबस इसके अंदर पूछा गया है, जैसे कि जो सिविल के अंदर चार टॉपिक्स हैं जो कि नहीं आते लेकिन इसके अंदर पूछे गए, तो आपकी मैंने स्पेशली एसएससी जेई और आरआरबी जेई की क्लास लगा रखी है जो कि आपको मेरी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, उधर से आप जाकर के इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं और आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं सिलेबस डेप्थ के अंदर, तो इंग्लिश के अंदर इसमें पूछा जाएगा, आपके इंग्लिश का सिलेबस भी होगा। ओके, सिलेबस डेप्थ एंड डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग आपका सिलेबस रिगार्डिंग होगा। इसके अंदर अगर देखते हैं जनरल नॉलेज भी आएगी, जिसके अंदर आपके इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश में काफ़ी सारा सिलेबस है, साथ ही साथ में आपके मराठी लैंग्वेज से भी क्वेश्चन आएंगे, सामान्य यानी जनरल नॉलेज से भी आपके क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग से भी आपके क्वेश्चन आएंगे। कुछ इस टाइप का भी पेपर होगा जिसके अंदर इंग्लिश, मराठी लैंग्वेज, सामान्य ज्ञान और रीजनिंग टेस्ट भी होगा इसी के अंदर ही आपका। देख लेते हैं और भी क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर अपने पास में आपके जानने के लिए। जो चीज़ें मेरे को समझ में आ रही है फ्रेंड्स वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, और जो नहीं आ रही है वो मैं आपका डिटेल नोटिफिकेशन जब मैं इसको पूरा इंग्लिश में कन्वर्ट करवा लूँगा उसके बाद मैं आपके लिए लेकर आऊँगा तब मैं आपको पूरा बता पाऊँगा। हाल फिलहाल मेरे लिए सब कुछ समझ के आपको बताना बहुत ही ज़्यादा, सारी लैंग्वेज जो है वो मराठी है, यहाँ पर देख सकते हैं ये पता नहीं भरते वेली आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज़ है। इसी तरीके की और भी काफ़ी सारी वर्ड्स है जो मेरे को समझ में नहीं आ रही हैं, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जितना भी वीडियो पे लाइक आएंगे, जितने ज़्यादा शेयर्स मिलेंगे, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर मिलेंगे, उतना ही जल्दी मैं अगला वीडियो इससे रिलेटेड आपके लिए लेकर आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़ फ्रेंड्स।